एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपने धान के क्या हुआ है धान के साथ। देखो, चलो आओ। तो ये हाल हुआ है मेरे पके धानों का। ये देखो, सब धान जो है गिर गए हैं, सब पके हुए थे तो ये पानी बरसा और हवा चली तो सब सारे धान जो है गिर गए हैं। हाइब्रिड वाले जो हैं, हाइब्रिड वाले तो सारे धान गिर चुके हैं। ये पक गए थे, कटने वाले हैं तो ये हवा चली और पानी बरसा, इसी में सब जो है ये गिर गए। बहुत बुरा हाल हुआ है इन धानों का, देख लो सब गिर चुके हैं। काटने में भी इनको दिक्कत होगी इनमें। और ये वाले जो हैं, ये वाले फ़िलहाल नहीं गिरे, ये कच्चे हैं, अभी पक्के नहीं हैं, ये जो है अभी कच्चे हैं। हालांकि ये कटने वाले हो जाएंगे इसके बाद में। और ये वाले धान जो हैं सब नीचे पड़े हुए हैं, ये देखो पक गए हैं। जो है इसमें काला काला जो होता है, पता नहीं क्या वो सब लग रहा है इसमें पकने के बाद, जो काला काला होता है ये कंडोर जिसको कहते हैं, वो लग रहा है इसमें। हालांकि इसमें अब नुकसान हो रहा है, पके धान है देखो सब गिर गया है। सारे धान गिर गए हैं, आधे जो है आधे बचे हुए हैं और आधे गिर गए हैं। ये जो है देसी वाले धान हैं, ये जो है भी थोड़ा लेट होते हैं, पकते हैं। ये जो है अभी जो है इसमें दाना नहीं पड़ा है, बालियां ही सब निकली हैं भी। हाइब्रिड के और देसी नुमा जो होता है 10-15 दिन का फ़र्क होता है बस, और सब वही होता है, धान आगे पीछे होते हैं। कोई नवंबर में कट जाता है तो कोई सितंबर में। सितंबर में जो कटता है वो हाइब्रिड वाले जो होते हैं वो कट जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज का मौसम काफ़ी ख़राब है, बादल हैं और बूंदे पड़ रही हैं। हालांकि ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई लेकिन बादल हैं, मौसम ख़राब है सुबह से। ये 15-20 हुआ मैंने शकरकंदी लगाई है, और ये है शकरकंदी। शकरकंदी जो है अभी खूब ज़्यादा इसमें बौक गई है। अब हम दूसरे धान दिखाएंगे जो हमारे देसी धान हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। हाइब्रिड जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, और देसी धान जो होता है जो छोटा होता है थोड़ा जो है लेट होता है। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और ये उर्द हैं, ये उर्दों में जो है फूल निकल रहा है अभी, फूल जो है इसमें आ चुके हैं। ये देखो, फूलों में उर्दों में जो है फूल बन रहा है अभी। पूरा जो है चक्र 6 बीघे का है, और ये 6 बीघा जो है उर्द है, और ये 6 बीघे जो है धान है, पूरे 12 बीघे का चक है पूरा। हाइब्रिड वाला धान इसमें भी लगा हुआ है 6 बीघे। ये है 3 बीघे देसी धान जो छोटा छोटा होता है। ये अभी जो है बाली इसमें निकल रही हैं, कुछ पक रही हैं, और ये छोटे छोटे होते हैं, कुछ लेट होते हैं हाइब्रिड के, जैसे वो पहले होता है ये जो है बाद में हो जाते हैं।
ये 3 बीघे का चक है पूरा, छोटा छोटा धान सब लगा हुआ है इसमें। उधर गन्ना लगा है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद जय भारत।